नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्नोलॉजी केड़ा चैनल में। और आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे हम लोग एक इमेज को सेव करें। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हम लोग एपीआई बनाएंगे अपलोड इमेज के लिए, तो हम लोगों ने बनाई थी और हम लोग एनजी सर्व कर लेते हैं हमारे विजुअल स्टूडियो कोड के प्रोजेक्ट को, और हमारी एपीआई को भी हम लोग रन कर लेते हैं स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम वाली को। तो यहाँ पर आप लोग देखिए कि सबसे पहले हम लोग एपीआई रन करते हैं और हमारा जो क्रड ऑपरेशन चल रहा है उसके ऊपर ही हम लोग जो है इमेज को अपलोड करेंगे। तो यहां पर मैंने प्ले कर दिया है हमारी एपीआई प्रोजेक्ट को। तो एक बार एपीआई प्रोजेक्ट चल जाता है उसके बाद में हम लोग जो है एंगुलर के प्रोजेक्ट को रन कर लेंगे और वहां पर हमारा डाटा जो है वो रन होने लग जाएगा। यहाँ तक आप लोग जो है पूरा सीन कर चुके हैं, पूरा देख चुके हैं कि कैसे मैंने ये प्रोजेक्ट जो है वो किया है। तो यहां पर देखिए आप लोगों के पास हो रहा है सब कुछ। अब हम लोग क्या करेंगे, तो यहां पर देखिए हमने हमारे एपीआई प्रोजेक्ट को रन कर दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, हमारे जो हमारा जो विजुअल स्टूडियो कोड में प्रोजेक्ट जो चल रहा है उसे हम लोग रन कर लेते हैं हमारे एंगुलर प्रोजेक्ट को, यानी फ्रंट एंड को। तो ये हमारा फ्रंट एंड है जो अभी हम लोगों ने रन किया है। तो ये देखिए आप लोगों के डाटा जो है वो आप लोगों को विजुअलाइज हो रहे हैं। जब मैं एडिट बटन पे क्लिक करता हूँ तो आप लोगों को ये डाटा जो है अपडेट स्टूडेंट के लिए मिल जाता है। तो इस पार्ट के अंदर, राइट वाले पार्ट के अंदर, हम लोगों को एक इमेज ऐड करनी है, एक डिफॉल्ट इमेज ऐड करनी है और उसके नीचे हम लोगों को एक बटन भी ऐड करना है, ठीक है। तो ये सारा जो सिस्टम है वो हम लोग एंगुलर के अंदर करेंगे। तो ये व्यू स्टूडेंट वाला ही आप लोगों के पास पेज है और व्यू स्टूडेंट वाले में हम लोगों ने दो कॉलम जो है वो डिवाइड किए थे, आप लोगों को दिखाई दे रहा था। तो यहाँ पर आप लोगों के पास है डिव क्लास रो, और मैं यहाँ पर कॉल एक्सेस जो है वो 6 में है, मतलब 6 में मैंने डिवाइड किए थे कॉल को। और यहाँ पर देखिए सेंटर एक्सेस कर दिया है, यानी कि सेंटर में आप लोगों को दिखाई देना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए जो न्यू डिवीजन है वो इमेज कंटेनर क्लास में है। तो ये हो गया आप लोगों के पास, इमेज कंटेनर क्लास मैंने ऐड कर दी है और इसमें कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो मैं ऐड करूँगा इन फ्यूचर। SRC को मैं बाइंड कर रहा हूँ यहाँ पर, यानी कि इमेज सोर्स को एक वेरिएबल से, जो कि मैं आप लोगों की टाइप स्क्रिप्ट फाइल में ऐड करूंगा प्रोफाइल DP, और ऑल्ट में भी मैं यहां पर लिख देता हूं प्रोफाइल DP। ओके, तो यहां पर मैं जो प्रोफाइल DP है इसको जस्ट कॉपी करता हूं और यहां पर मैं पेस्ट कर देता हूं। ओके, अब मैं प्रोफाइल DP में क्या दिखाना, अभी तो एम्प्टी स्ट्रिंग है वहां पर। अब मैं यहां पर यह चेक करता हूं कि अगर ID अवेलेबल है, दिस डॉट ID इज टू लोअर केस इज डबल इक्वल्स टू एड। एड का मतलब क्या होता था हम लोगों को कि नया स्टूडेंट ऐड करना है। तो वहां पर भी मैं एक डिफॉल्ट इमेज के नाम से क्या कर देता हूँ, एक मेथड बना देता हूँ, एक प्राइवेट मेथड यहाँ पर मैं कॉल कर लेता हूँ डिफॉल्ट इमेज, कि ये भी आप लोगों को विजिबल हो डिफॉल्ट इमेज भी। और मैं यहाँ पर एक डिफॉल्ट इमेज के नाम से क्या बना लेता हूँ, एक मेथड बना लेता हूँ प्राइवेट मेथड, ठीक है। तो एक बार के लिए जितने भी आप लोगों के पास मेथड हैं उनको हम लोग क्या करते हैं, बंद करते हैं और एक नया मेथड जो है हम लोग यहाँ पर बनाते हैं प्राइवेट डिफॉल्ट इमेज, और जो रिटर्न टाइप है वो क्या होगा, void। अब हम लोग यहां पर ये चेक कर लेंगे कि दिस डॉट स्टूडेंट डाटा जो प्रोफाइल इमेज है या नहीं है, ठीक है। तो पहले से अगर आप लोगों के पास प्रोफाइल इमेज है तो आप लोगों को क्या करना है, उसे अपडेट के लिए कॉल करना है। लेकिन अगर प्रोफाइल इमेज नल है तो आप लोगों को क्या हो जाए, डिफॉल्ट इमेज वहां पर आ जाए, ठीक है। तो यहां पर तो प्रोफाइल इमेज है तो इसका मतलब है प्रोफाइल इमेज आप लोगों को दिखनी चाहिए। लेकिन अगर आप लोगों के पास प्रोफाइल इमेज नहीं है तो आप लोगों को क्या दिखनी चाहिए, आप लोगों को दिखाई देनी चाहिए डिफॉल्ट इमेज।
तो अब हम लोग डिफॉल्ट इमेज को भी सेट कर लेंगे, तो डिफॉल्ट इमेज भी हम लोगों को चाहिए होगी, तो एक बार के लिए हम लोग यूजर की डिफॉल्ट इमेज जो है वो डाउनलोड कर लेते हैं इंटरनेट से, तो जो अच्छी लगे आप लोगों को वही आप लोग जो है इंटरनेट से डाउनलोड कर लीजिए। मुझे ये अच्छी लगी है, मैं एक बार के लिए यही जो है वो डाउनलोड कर लेता हूँ। आप लोगों को जो अच्छी लगे आप लोग वो जो है ओके। तो अभी आप लोगों ने यूजर की जो इमेज है वो कर ली है, अब आप लोगों को एसेट्स जो फोल्डर है उसमें वो इमेज जो है आप लोगों को डालनी है। तो यहां पर आप लोगों के पास एसेट्स जो है पेज है ओपन इन रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर आप लोग करें, और यहां पर जो एसेट्स नाम से जो फोल्डर है उसमें आप लोग वो इमेज जो है वो पेस्ट करते हैं। तो यूजर डॉट पीएनजी नाम से जो इमेज है वो आप लोगों ने यहां पर पेस्ट कर दी है। अब यहां पर आप लोगों के पास क्या दिखाई देना चाहिए, एल्स है, तो यहां पर आप लोग लिखें दिस डॉट प्रोफाइल डीपी इक्वल्स टू, जो आप लोगों की प्रोफाइल डीपी है एक्चुअली में वो आप लोगों की यहां पर आनी चाहिए, तो स्लैश लगा के एसेट्स स्लैश और यूजर डॉट पीएनजी नाम से आप लोगों की इमेज जो है वो डिफॉल्ट इमेज आप लोगों की दिखाई देगी जब आप लोगों की प्रोफाइल इमेज में कोई भी वैल्यू ना हो तब। ठीक है, तो ये हम लोगों ने तब कॉल किया है जब एड स्टूडेंट पर हम लोग क्लिक करेंगे तब। अभी डिफॉल्ट इमेज में एरर आ रहा है, कॉन्ट फाइंड द डिफॉल्ट इमेज, क्योंकि हम लोगों ने दिस ऑब्जेक्ट जो है वो नहीं लगाया है, करंट ऑब्जेक्ट रेफरेंस का यूज हम लोगों ने नहीं किया है। ठीक है, इसीलिए वो एरर जो है वो यहाँ पर विजिबल हो रहा है। तो दिस डॉट डिफॉल्ट इमेज यहाँ जब हम लोग कॉल करेंगे तो हम लोग दिस का यूज जो है वो करेंगे। अब हम लोग यहाँ पर क्या लगाएंगे, दिस डॉट डिफॉल्ट इमेज जो है वो हम लोग कॉल कर लेते हैं, ताकि ये जो है करंट ऑब्जेक्ट रेफरेंस जो है अपने आप को कॉल कर ले और आप लोगों को ये विजिबल डाटा आप लोगों को दिखाई दे। तो यहाँ पर हम लोगों ने डिफॉल्ट इमेज जो है वो डिस्प्ले कर दी है, और डिफॉल्ट इमेज के नीचे एक बटन भी होना चाहिए आप लोगों का। एक तो हम लोग बटन को डिस्प्ले करने के लिए हमारे पास एक ब्राउज का बटन होना चाहिए, यानी कि फाइल अपलोड कंट्रोल, और वो आप लोगों के पास हिडन होना चाहिए। ठीक है, साथ ही आप लोगों के पास एक बटन होना चाहिए जिस पर हम लोग क्लिक करें तो ये आप लोगों के फाइल अपलोड वाले बटन को, जो इमेज होती है फाइल वाले को, उसको कॉल कर लें। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, जो नीचे वाला जो कोड था जो अपडेट के लिए था वो इसी में हम लोग डाल देते हैं, दिस स्टूडेंट सर्विस डॉट गेट स्टूडेंट वाला डॉट सब्सक्राइब और ये दिस, ये वाला हम लोग अपडेट स्टूडेंट में डाल देते हैं। ठीक है, ताकि आप लोगों का जो डाटा है वो आप लोग गेट कर लें अपडेट के टाइम। ठीक है, ये यहाँ तक तो आप लोगों का सारा डाटा जो है वो रन हो रहा है। जो नेक्स्ट फेज है आप लोगों का, एक बार के लिए हम लोग फॉर्मेट कर देते हैं इसको। अगर इसमें किसी भी प्रकार की आप लोगों को प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझसे कमेंट में आप लोग पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पर हम लोगों को प्रॉब्लम आ रही है। तो अपडेट में भी आप लोगों को डिफॉल्ट इमेज दिखेगी, तो हो सकता है कि आप लोगों के पास वो डाटा जो है वो नहीं दिखाई दे, हो सकता है। तो दिस डॉट डिफॉल्ट इमेज, क्योंकि डिफॉल्ट इमेज मेथड में हम लोगों ने क्या चेक कर रखा है, सबसे पहले अगर इमेज है तो आप लोगों की इमेज दिखाई देगी, अदरवाइज आप लोगों को डिफॉल्ट इमेज दिखाई देगी, यही तो हम लोगों ने सेट कर रखा है। तो चाहे हम लोग एडिट अपडेट के लिए कोई भी पार्ट के लिए, अब जैसे ऊपर वाले में हम लोगों ने पहले से ही कोई इमेज जो है यूआरएल डाल रखा है, तो यहाँ पर आप लोगों को ऑल्ट जो कीवर्ड है इमेज का जो होता है वो डिफॉल्ट जो प्रोफाइल डीपी है वो आप लोगों को दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो पहले वाले में इमेज है एक्चुअली में डाटाबेस के अंदर, लेकिन बाकी में अदर्स में नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, अदर्स में आप लोगों की डिफॉल्ट इमेज जो है वो वहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी, तो एल्स पार्ट आप लोगों का रन हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोगों की इमेज है, यानी कि स्टूडेंट डाटा डॉट प्रोफाइल इमेज है, यानी पाथ वो अभी मैच नहीं कर रहा, इसीलिए वो आप लोगों को डिस्प्ले नहीं हो रही है। पाथ धीरे आगे चलकर आप लोग देखेंगे कि पाथ मैच करेगा, तभी आप लोगों को इमेज जो है वो डिस्प्ले होगी। साथ ही हम लोगों को हमारी एपीआई में प्रोवाइडर्स भी सेट करने पड़ेंगे, ताकि इमेज जो है वो डिस्प्ले आप लोगों की हो। तो यहाँ तक तो आप लोगों का क्लियर हो गया होगा, जो भी हो गया चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पर आप लोगों के पास कोई भी इमेज नहीं है, यानी कि इमेज नल थी इसीलिए, या ठीक है, तब आप लोगों को यहाँ पर डिफॉल्ट इमेज जो है वो डिस्प्ले हो रही है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी आई थिंक, और इसमें इमेज है इसीलिए आप लोगों को प्रोफाइल डीपी दिखाई दे रही है। चलिए आगे चलते हैं, तो यहाँ तक क्लियर।
नेक्स्ट में आप लोगों को एक बटन बनाना पड़ेगा, जैसे मैंने आप लोगों को बोला था कि आप लोगों को एक बटन बनाना पड़ेगा, तो एक नई रो जो है हम लोग बना लेते हैं। ये तो हो गई आप लोगों की एक रो, सेंटर एक्सेस हो गया था, इमेज कंटेनर हो गया था। ये भी अभी इमेज जब डिस्प्ले होगी तब हम लोग इसकी प्रॉपर्टी सेट करेंगे, तब हम लोग ये क्लास जो है इमेज कंटेनर वो उसमें यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों की नेक्स्ट जो क्लास है उसमें हम लोग एक डिवीजन नया बनाते हैं और उसमें क्लास इक्वल्स टू हम लोग रो नहीं डाल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया, नेक्स्ट फेज में हम लोग क्या डालते हैं, डिवीजन यहाँ पर हम लोगों ने डाल दिया और यहाँ पर क्लास इक्वल्स टू हम लोग डाल देते हैं कॉल XS12। एक पूरे में आप लोगों का बटन जो है वो विजिबल होना चाहिए। और यहाँ पर हम लोग एक फाइल अपलोड बटन, सबसे पहले फाइल वाला रखेंगे, तो इनपुट हिडन रख देते हैं, टाइप इक्वल्स टू फाइल रख देते हैं। और उस पर जो चेंज करें, जब चेंज इवेंट जो है वो उस पर कॉल होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग एक टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल भी उसका देंगे, तो वो हम लोग दे देंगे प्रोफाइल अपलोड, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग क्या दे देंगे, एक इवेंट हम लोग कॉल कर लेंगे। अब हम लोगों के पास यहाँ पर क्या गया, चेंज इवेंट हम लोगों ने कॉल किया है इमेज अपलोड, और इसमें हम लोगों ने इवेंट जो है वो सेंड कर दिया है। इवेंट ऑब्जेक्ट जो है वो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि पूरे फाइल अपलोड, यानी कि जहाँ पर भी कॉल होगा, जिस बटन पर भी कॉल होगा, उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन जो है वो सेंड कर देता है। इवेंट ऑब्जेक्ट के बारे में मैं आप लोगों को एंगुलर के अंदर बता चुका हूँ, वहाँ से आप लोग चेक कर सकते हैं। तो ये हो गया, नेक्स्ट है बटन, मैट रेज बटन, ओके। तो यहाँ पर आप लोगों के पास आ गया मैट रेज बटन और कलर इक्वल्स टू प्राइमरी आप लोगों के पास आ गया है, ठीक है। और जब हम लोग इस पर क्लिक करें तो क्या होना चाहिए, बटन पर क्लिक करने से आप लोगों का फाइल अपलोड कंट्रोल जो है वो कॉल होना चाहिए। तो प्रोफाइल अपलोड डॉट क्लिक, इस पर क्लिक होना चाहिए, फाइल अपलोड डॉट क्लिक, और ये इवेंट जो है वो कॉल होना चाहिए, क्लिक इवेंट, मतलब ये कॉल हो जाना चाहिए, और मतलब इस पर क्लिक होना चाहिए। तो अगर इस पर क्लिक होगा तो ऑटोमेटिकली चेंज इवेंट कॉल हो जाएगा। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, जो चीज़ें मैंने इसमें लिखी हैं वो आई थिंक आप लोगों को यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को क्लियर जो है वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी दोबारा से मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, जब मैं बटन पर क्लिक करूँगा तो आप लोगों के पास क्या कॉल होगा, जो मैंने टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल बनाया फाइल वाला, और उस पर जो इवेंट है वो कॉल हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो अगर वो कॉल होगा तो यहाँ पर हम लोग एक जस्ट इसके मेथड के बाद में वो जो मेथड हम लोगों ने उसमें कॉल किया है इमेज अपलोड, वो यहाँ पर आ जाएगा। तो इसमें आप लोगों के पास क्या आएगा, इवेंट आएगा, ठीक है, बाई डिफॉल्ट। तो अभी उसमें एरर आप लोगों के पास शो हो रहा है, देखिए यहाँ पर कोई बटन आप लोगों को विजिबल नहीं हो रहा है। उसका रीजन सिर्फ इतना सही है क्योंकि वहां पर एक एरर है, क्योंकि जब हम लोग विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर काम करते हैं तो आप लोगों को एक एरर जो है वो नंबर वन नंबर टू के से आ जाते हैं, सेव करके हम लोग रिफ्रेश करते हैं तब वो एरर्स जो है वो हटते हैं। तो यहाँ पर देखिए वन HTML के आगे वन दिखाई दे रहा है ऊपर फाइल के नेम में। तो यहाँ पर देखिए इमेज अपलोड के अंदर इवेंट भी जा रहा है, तो हम लोगों ने वहां पर जो पैरामीटर है जहां से ये डेफिनेशन पार्ट है इसका, उसमें हम लोगों ने यहाँ पर कोई भी इवेंट जो है वो नहीं लिया है। तो यहाँ पर इवेंट जो है वो किस टाइप का है, इवेंट टाइप का है, एक्चुअली में है तो इवेंट टाइप का, लेकिन अगर कल को अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम लोग एनी भी कर सकते हैं, इसको याद रखना, ठीक है। क्यों, क्योंकि एक्चुअली में जो इवेंट्स होते हैं वो कुछ जो मेथड्स होते हैं उनको कैप्चर नहीं कर पाते हैं, तो इसीलिए हम लोग एनी डाल देते हैं कि इवेंट में कुछ भी आ सकता है। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर भी अभी आप लोगों को बटन दिखाई नहीं दिया, तो इसके नीचे जो है आप लोगों के बटन आ जाना चाहिए, एक रो के नीचे जो है बटन विजिबल होना चाहिए चेंज के नाम से। आगे हम लोग देख लेते हैं, इसको हम लोग सेव कर लेते हैं एक बार, और उसके बाद में दोबारा से हम लोग अगर इसको कंपाइल करके रन कर लेते हैं तो ओके आ ही गया, चेंज इमेज के नाम से बटन आ गया। तो ये देखिए थोड़ा सा लेफ्ट साइड में आप लोगों को दिखाई दे रहा है, सेंटर में आप लोगों के बटन जो है वो दिखाई देना चाहिए चेंज इमेज के नाम से। तो इसमें भी हम लोग वो सेंटर वाली क्लास जो है रो सेंटर XS जो है वो यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो वो भी आप लोगों के लिए ठीक हो जाएगी, डबल कोटेशन जो है वो नहीं लगा है, सेव कर देते हैं और हम लोग रिफ्रेश करके देखते हैं। यस, हमारा जो बटन है वो सेंटर में अब आप लोगों को दिखाई दे रहा है, जब मैं क्लिक करता हूँ तो ये आप लोगों का फाइल अपलोड कंट्रोल की तरह ही बिहेव जो है वो कर रहा है।
अब तो यहाँ तक तो आप लोगों की बात हो गई, अब हम लोग इसमें लिखते हैं कि आप लोगों की इमेज अपलोड में क्या आई। तो इमेज अपलोड में आप लोगों की आएगी फाइल, ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग जो भी सिलेक्ट करेंगे वो फाइल आएगी। और हम लोगों ने इवेंट लिखा है इवेंट टाइप, तो इवेंट में हमारे पास ऑब्जेक्ट आने वाला है, ठीक है, इवेंट का। तो हम लोगों को क्या कॉल करना है, एक जो भी आएगी वो एज ए फाइल हम लोग उसे ट्रीट करेंगे। तो इवेंट डॉट टारगेट एक प्रॉपर्टी होती है जिसमें हमारी जो भी हम लोग पिक करते हैं उसका ऑब्जेक्ट जो वैल्यूज होती हैं वो आ जाती हैं। तो इवेंट डॉट टारगेट डॉट फाइल्स ऑफ जीरो, जो सबसे पहली जो सिलेक्ट करेंगे वही जो है एज ए ट्रीट होकर हमारे पास आएगी। लेकिन अभी ये एरर दिखा रहा है, एरर क्यों दिखा रहा है अभी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर इवेंट जो है उसका टाइप जो है इवेंट कर रखा है। अगर एनी कर देंगे तो ये प्रॉब्लम जो है रिजोल्व हो जाएगी। तो हम लोगों ने यहाँ पर लिखा दिस डॉट आई डी नल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग जिस स्टूडेंट के लिए जो चीज़ सेलेक्ट कर रहे हैं उसमें आई डी जो है वो जीरो नहीं होनी चाहिए। सही बात है। तो ये प्रॉपर्टी हम लोगों ने देखी। तो इवेंट का जो टाइप है वो भी हम लोग ठीक कर देते हैं, उसका जो टाइप है वो क्या होना चाहिए आप लोगों का, एनी होना चाहिए। और यहाँ पर हम लोग ये जो फाइल है, जो टाइप ऑफ फाइल बनाया हम लोगों ने, उसको हम लोग कॉन्स्टेंट वेरिएबल में डाल देते हैं। तो ये एनी कर दिया, तो यहाँ पर देखिए दिस डॉट आई डी में एरर है, और रिटर्न कर दिया हम लोगों ने इसको वॉइड से। ओके, एवरीथिंग इज़ फाइन। यहाँ तक आप लोगों का सारा कोड जो है वो सही तरीके से रन कर रहा होगा। आगे हम लोग चलते हैं। अब हम लोगों ने यहाँ पर क्या कर लिया, अब हम लोग सर्विस में जो मेथड हमारा सर्विस का है उसे हम लोग कॉल कर लेंगे, ठीक है। लेकिन इतना बात आप लोगों को याद रखना होगा कि हम लोगों ने जो मेथड बनाया है उसमें हम लोगों ने जो फाइल अपलोड के लिए जो यूज़ किया है स्ट्रिंग प्रॉपर्टी, वो ही हम लोगों को यहाँ पर भी इस्तेमाल में लेनी होगी। तो हम लोगों ने अपनी सर्विस ओपन की, स्टूडेंट सर्विस जो हम लोग यूज़ करते हैं ऑलवेज, उसके अंदर भी हम लोग एक मेथड बनाएंगे अपलोड इमेज के नाम से। और अपलोड इमेज के नाम से मैंने मेथड बनाया, उसमें सबसे पहला जो पैरामीटर है वो हम लोगों को आईडी भेजना होगा, नंबर हम लोगों ने एज यूजुअल भेजा, और उसके बाद में हम लोगों ने कोमा डालकर हम लोग जो है नेक्स्ट में हम लोग सेंड कर रहे हैं। अब क्या सेंड कर रहे हैं हम लोग, जो फाइल हम लोगों ने वहाँ पर की थी, ठीक है। तो फाइल कोलन फाइल हम लोगों ने यहाँ पर डाल दिया कि जो दूसरा पैरामीटर है वो क्या जाएगा, फाइल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम लोगों को क्या करना है, कॉन्स्टेंट वेरिएबल डाला, फॉर्म डाटा डाला, क्योंकि वहां पर जो डाटा है वो एक्चुअल में क्या है, फॉर्म डाटा है। तो चलिए दोस्तों, ये है आप लोगों के पास अपडेट अपलोड इमेज का, जिसमें आप लोगों के पास दो पैरामीटर होंगे, एक तो होगा आईडी नंबर वाइज और एक फाइल जो कि आप लोगों के पास जाएगी आई फॉर्म फाइल के अंदर। तो हम लोगों ने एक फॉर्म डाटा बना लिया, न्यू फॉर्म डाटा, इसके अंदर एक क्लास आती है न्यू फॉर्म डाटा। फॉर्म डाटा डॉट अपेंड हम लोगों को करना है। अब इसमें सबसे पहला पैरामीटर है नेम, ठीक है। तो हमारे पास देखिए, अगर हम लोग देखें तो इमेज अपलोड के नाम से हमारे पास एक फंक्शन है जिसमें हमारे पास प्रोफाइल यूआरआई है। ये प्रोफाइल यूआरआई जो है आप लोगों को यहाँ पर मैच करना चाहिए, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिया, फॉर्म डाटा डॉट अपेंड प्रोफाइल यूआरआई, ठीक है। नेम वही होना चाहिए जो आप लोगों का मैच करे, और इस प्रोफाइल यूआरआई में हमारे पास क्या जाएगा, फाइल जाएगा, ठीक है। तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब आप लोग जो हैं कॉल कर सकते हैं आप लोगों की एपीआई को। तो यहाँ पर आप लोगों ने कॉल किया दिस डॉट एचटीटीपी क्लाइंट डॉट पोस्ट ही हम लोगों को करना है, सिंपल पोस्ट हम लोगों ने मेथड लगाया, और पोस्ट में हमारे पास जो बेस यूआरआई है प्लस जो मेथड कॉलिंग हम लोग करते हैं वैसे ही हम लोग करेंगे विद आईडी वाइज, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप लोगों को इतना ध्यान में रखना होगा कि हम लोग कॉलिंग जो है वो कैसे कर रहे हैं। ओके, सो दिस डॉट बेस ऐप यू आर आई एपीआई स्टूडेंट अपडेट स्टूडेंट, हो गया। यहां पर हम लोग इमेज अपलोड फंक्शन को कॉल करेंगे, तो यहां पर और उसमें एक पैरामीटर आप लोगों के पास आईडी, तो यहां पर आप लोगों ने इमेज अपलोड को कॉल कर दिया, प्लस स्लैश लगाकर आप लोगों के पास आईडी आ जाएगा। /id हो गया। अब जो नेक्स्ट पैरामीटर है आप लोगों का, जिसमें आप लोगों को फॉर्म जो भेजना है, आप लोगों को जो फाइल अपलोड के अंदर जो भेजना है वो है आप लोगों का फॉर्म डाटा,
तो यहाँ पर हम लोग क्या सेंड कर देंगे, फॉर्म डेटा जो है एक्चुअली मैं अपेंड कर चुका है आप लोगों की प्रोफाइल यूआरआई को, तो यहाँ पर आप लोग जो है फॉर्म डेटा को सेंड कर सकते हैं। तो इतना इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि हम लोगों को जो कॉलिंग करना है सर्विसेज के थ्रू वो हम लोगों ने यहाँ पर तैयार कर लिया है। तो इतनी बात यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ गई। अब जो नेक्स्ट बात है वो है कि फॉर्म डेटा के अंदर आप लोगों को क्या जो है रिस्पॉन्ड लेना है, तो जो रिस्पॉन्स टाइप है आप लोगों का वो क्या होगा, कॉलन। देखिए डिफरेंट टाइप के रिस्पॉन्स टाइप्स हैं यहाँ पर, तो हम लोग जो यहाँ पर लेना चाहते हैं रिस्पॉन्स टाइप वो टेक्स्ट होगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग इसको शॉर्ट कर लेते हैं ताकि आप लोगों को क्लियर दिखाई दे। तो ये हो गया। अब ये अपलोड इमेज जो हम लोगों ने मेथड अपलोड इमेज अपलोड नाम से जो मेथड बनाया था हम लोगों ने टाइप स्क्रिप्ट फाइल के अंदर, उसमें हम लोगों ने सबसे पहले यही चेक किया है। तो यहां पर आप लोगों के पास आ गया दिस डॉट आई डी कॉन्स्टेंट फाइल फाइल इवेंट डॉट टारगेट डॉट फाइल्स ऑफ जीरो दिस डॉट स्टूडेंट डाटा। अब आप लोगों के पास क्या आना चाहिए, आप लोग इसको कॉल करेंगे यहीं से, जब भी हम लोग इवेंट पर क्लिक करेंगे अब अपलोड करने के लिए इमेज को, तो इस मेथड को आप लोग कॉल करेंगे, तो दिस डॉट स्टूडेंट डाटा डॉट अपलोड इमेज। लेकिन ये एक सब्सक्राइब मेथड भी आप लोगों के पास इसमें होना चाहिए, आप लोगों को पता है। तो यहाँ पर आप लोग जो है दिस डॉट स्टूडेंट सर्विस होना चाहिए, स्टूडेंट डाटा तो हमारे पास जो है ऑलरेडी उसमें डाटा है, डॉट अपलोड इमेज, और अपलोड इमेज में यहाँ पर हम लोग आईडी भेज देंगे, तो दिस डॉट स्टूडेंट डाटा डॉट आईडी हम लोग यहाँ से भेज सकते हैं एज ए नंबर, और उसमें हम लोगों को फाइल सेंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों को ऑब्जर्वेबल टाइप बनाना होगा सबसे पहले, ऑब्जर्वेबल टाइप ऑफ एनी, ठीक है। और ये रिटर्न करता है आप लोगों को पता है, तो ये आप लोगों का रिटर्न करेगा दिस डॉट एचटीटीपी क्लाइंट वाला। तो ये हो गया। नेक्स्ट में हम लोग सर्विस से इसको कॉल करेंगे व्यू जो टीएस फाइल है उससे दिस डॉट स्टूडेंट सर्विस डॉट अपलोड इमेज, और यहां पर हम लोग इसको कॉल कर लेंगे अपलोड इमेज को, आईडी इसमें हम लोग भेज देंगे दिस डॉट स्टूडेंट सर्विस स्टूडेंट डाटा डॉट आईडी, कोमा, डॉट सब्सक्राइब, तो यहां पर आप लोगों का सबसे पहला सक्सेस रिस्पॉन्स आएगा। सक्सेस रिस्पॉन्स, और यहां पर आप लोगों के पास सक्सेस रिस्पॉन्स में क्या आएगा, और ये आ जाएगा एरर रिस्पॉन्स। ठीक है, एक बार के लिए हम लोग अगर एरर रिस्पॉन्स को हटा दें तो ये जो ओवर मार्किंग है वो हट जाएगी। सक्सेस रिस्पॉन्स में हम लोगों को क्या लिखना है कि जो दिस डॉट स्टूडेंट डाटा डॉट प्रोफाइल इमेज, उसके अंदर हमारे पास क्या जाना चाहिए सक्सेस रिस्पॉन्स में, जो सक्सेस रिस्पॉन्स है, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया अब इतना, तो दिस डॉट जो हमारी प्रोफाइल है इमेज है वो यहाँ से हमारे पास यूआरएल आएगा तो वो सक्सेस रिस्पॉन्स में आएगा, तो यहाँ पर हम लोग डाल देंगे। तो उसके बाद में दिस डॉट डिफॉल्ट इमेज को कॉल कर लिया जाएगा, उसमें हमारे पास अगर मेथड आ चुका है तो वो यूआरएल जो है वो हम लोग इमेज पर ट्रांसफ़र कर देंगे। इतना ही था, ठीक है। तो ये भी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी इतनी तो, ओके यहाँ तक भी आ गया आप लोगों को समझ में। नेक्स्ट में यहाँ पर देखिए डिफॉल्ट इमेज में क्या है, दिस डॉट स्टूडेंट डाटा डॉट प्रोफाइल इमेज है। अगर आप लोगों के पास प्रोफाइल इमेज है तो आप लोगों को जो प्रोफाइल डीपी है उस पर आप लोगों को ये इमेज जो है वो प्लेस करनी होगी प्रोफाइल इमेज। तो सिंपली हम लोग लिख सकते हैं दिस डॉट स्टूडेंट डाटा डॉट प्रोफाइल
दिस डॉट स्टूडेंट डाटा डॉट प्रोफाइल इमेज, वो बात भी आप लोगों को यहाँ पर भी समझ में आ गई कि हम लोगों ने क्लैश कर दी, लेकिन एग्जैक्ट यूआरएल जो है वो अभी आप लोगों ने गेट नहीं किया है, तो यहाँ पर आप लोगों को हो सकता है कि एरर आए, क्योंकि जो रिलेटिव यूआरएल है वो अभी आप लोगों ने गेट नहीं किया। ठीक है, तो ये तो सारा हम लोग सेट कर चुके हैं ऑलमोस्ट, और अगर आप लोगों को इसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत आ रही हो, किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही हो, तो मुझसे आप लोग जो है कोड भी शेयर करवा सकते हैं। तो एक बार ये पूरा हो जाता है क्रेड ऑपरेशन, उसके बाद में मैं इसका कोड जो है वो शेयर कर दूंगा आप लोगों के सामने। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, जब आप लोगों के पास सक्सेस रिस्पॉन्स भी हो तो ये स्नैक बार के अंदर आप लोगों के पास एक मैसेज भी आ जाए कि आप लोगों की प्रोफाइल इमेज जो है वो चेंज हो चुकी है। तो गो बैक हम लोग चलते हैं, सबसे पहले एडिट पर चलते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास इस प्रोफाइल इमेज को हम लोगों को चेंज करना है, चेंज इमेज, कोई भी इमेज जो है हम लोग यहाँ से डाल देते हैं, तो आप लोगों को जो है वो डिस्प्ले होना चाहिए। यूज़र डॉट पी एन जी हम लोग डाल देते हैं। तो अभी देखिए स्टूडेंट डिलीटेड का ऑप्शन आ रहा है, तो इसका मतलब ये मैसेज भी हम लोगों को चेंज करना पड़ेगा, और आप लोगों की जो प्रोफाइल इमेज है वो भी आप लोगों को चेंज करनी पड़ेगी। तो एक बार के लिए वो मैसेज जो है वो एक बार के लिए चेंज करते हैं, और उसके बाद में हम लोग ये देखते हैं कि इमेज जो है वो डिस्प्ले क्यों नहीं हुई, क्या पाथ में एरर है, क्या पाथ हम लोगों को शो हो रहा है, और क्या पाथ हम लोगों को गेट हो रहा है, और वहाँ पर जो इमेज है, जो लोकल फोल्डर है, उसमें इमेज जो है वो किस नाम से सेव हो रही है, वो सारा चीज़ें हम लोगों को यहाँ पर हम लोगों को क्या देखनी पड़ेगी। क्योंकि एक बार मैसेज तो हम लोगों ने चेंज कर दिया कि मैसेज प्रॉपरली हो रहा है और इमेज भी सेव हो रही होगी आई होप, क्योंकि तभी मैसेज जो है वो डिस्प्ले हो रहा है, वरना एरर आ जाता आप लोगों के पास। ठीक है, चलिए हम लोग देख लेते हैं एक बार के लिए, गो बैक, और यहाँ पर नेक्स्ट में हम लोग यहाँ पर सेव करते हैं सबसे पहले एक नई इमेज, और उसके बाद में हम लोग पाथ देखेंगे कि एक्चुअल में जो लोकल रिसोर्स है वहाँ पर क्या चेंज हो रहा है। ओके, अब हम लोगों को कंसोल में जाना होगा, तो इंस्पेक्ट एलिमेंट, और इंस्पेक्ट एलिमेंट करके हम लोग जो है इसका यूआरएल जो है वो निकालते हैं। एक्चुअली में इसका जो यूआरएल है वो है ओके स्टूडेंट रिसोर्सेज इमेजेस, और इमेजेस में आप लोगों की जीयूआईडी डॉट कस्टमर डॉट पीएनजी, ओके ये निकल रहा है, और हमारे जो फोल्डर है जो लोकल रिसोर्सेज है उसमें क्या सेव हो रहा है वो भी हम लोगों को देखना पड़ेगा कि कहीं आप लोगों की जीयूआईडी सेव हो रही है या नहीं हो रही है, डायरेक्ट कस्टमर डॉट पीएनजी ही आप लोगों के पास आ रहा है, वो भी देखना पड़ेगा। तो अभी आप लोगों के पास जो है वो जो लोकल रिसोर्सेज है स्टूडेंट रिसोर्सेज के नाम से, उसमें क्या आ रहा है, ओके कस्टमर डॉट पी एन जी आ रहा है, आप लोगों के पास जी ओ आई डी एड होकर नहीं आ रही है, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, रिपोजिटरी थोड़ा सा एडिट करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों ने क्या कर दिया कि फोल्डर के अंदर तो जो नेम है वो सेव करवा दिया, और जो डाटाबेस है उसमें हम लोगों ने जी ओ आई डी के नाम से सेव करवा दिया, तो ये थोड़ा सा गलत हो गया। तो हमारी जो रिपोजिटरी है उसमें हम लोगों को ये जो पूरा पाथ है वो सेव रिपोजिट उसमें भी करवाना पड़ेगा, और जो डाटाबेस है उसमें भी सेम करवाना पड़ेगा, तो ये मैच करेगा इसके साथ। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं रिपोजिटरी में, और उसके बाद में वहाँ पर कुछ चेंजेस करके फिर लौटते हैं, और फिर हम लोग देखते हैं कि क्या एरर उसमें आप लोगों को मिलता है, तो उसे भी हम लोग रिसॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों के पास स्टूडेंट रिपोजिटरी है, अपलोड इमेज है जो आप लोगों के डाटाबेस में सेव हो रहा था, पाथ डॉट कम्बाइन आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर है, यहाँ पर हम लोग एक जी ओ आई डी के नाम से बना लेते हैं स्पेशल के नाम से, जो ऑलरेडी जो यूनिक जो है करेक्टर स्पेशल जो है वो ऐड करता है, तो जी ओ आई डी डॉट न्यू जी ओ आई डी डॉट टू स्ट्रिंग, यही जो चीज़ है वो हम लोग यहाँ पर भी पेस्ट कर देंगे इसकी जगह। ठीक है, क्योंकि सेम जी ओ आई डी हम लोगों को चाहिए, तो यहाँ पर हम लोग पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पर भी हम लोगों को पेस्ट करनी पड़ेगी, देखिए फाइल नेम के आगे जो जी ओ आई डी क्रिएट है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, स्टूडेंट रिसोर्सेज इमेजेस, और यहाँ पर जो फाइल नेम है इसके आगे देखिए जी ओ आई डी लिखा हुआ है ना, तो इसको तो हम लोग हटा देते हैं, कोई ज़रूरत ही नहीं है इसकी। तो यहाँ तक हम लोगों को क्या करना था, एक जी ओ आई डी हमारा स्पेशल डालना था बस, तो यहाँ पर भी हम लोग स्पेशल डाल देते हैं भाई। अब हमारा सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज़ क्लियर, आप लोग भी अपने कोड को इस कोड के साथ मैच करवा लीजिए, अगर गलती है तो आप लोग जो है इसको रिफ्रेश कर लीजिए कोड को, ठीक है सब कुछ सही हो जाएगा उसके बाद में। तो इतना कुछ होने के बाद में हम लोग देखते हैं कि दोनों पाथ जो है वो मैच करते हैं नहीं करते हैं। ओके, तो एक चीज़ आपने और नोटिस की होगी कि जब हम लोगों ने प्रोफाइल इमेज को एडिट किया या न्यू अपलोड की थी प्रोफाइल इमेज या प्रोफाइल डीपी, तो आप लोगों ने जो यूआरएल जो एड्रेस मैंने आप लोगों को इमेज का दिखाया था वो आप लोगों को स्टूडेंट रिसोर्सेज से ही हो रहा था, तो उसके आगे का जो डोमेन इन्फॉर्मेशन है जैसे कि लोकल होस्ट 4200 ये आप लोगों के पास शो नहीं हो रहा था। अभी आप लोग भी चेक कर सकते हैं, देखिए जो रिसोर्सेज है वो क्या शो हो रहे हैं,
चेंज करते हैं हम लोग। इसकी भी देखिए, इसकी चेंज करते हैं हम लोग इमेज। तो जो प्रॉपर है वो आप लोगों के पास आना चाहिए, जो रिलेटिव पाथ है। देखिए यहाँ पर भी नहीं आई, तो इसके बाद में दोबारा से हम लोग इसका पाथ जो है वो चेंज चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर आ रहा है आप लोगों के पास स्टूडेंट रिसोर्सेज इमेजेस, और ये और यही फाइल जो है वो आप लोगों की उसमें भी रखी हुई है। आप लोग चेक कर सकते हैं अपने API के अंदर कि यही फाइल रखी हुई है, लेकिन मैच नहीं करेगा क्योंकि हम लोगों को डोमेन इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, रिलेटिव पाथ के नाम से सर्विस में एक और जो है वो निकालेंगे, रिलेटिव पाथ, गेट रिलेटिव पाथ। और इसमें हम लोगों के पास क्या आना चाहिए, हम लोगों के पास रिलेटिव पाथ आना चाहिए। तो रिलेटिव पाथ के नाम से आप लोगों के पास एक क्लास है ऑलरेडी, तो आप लोग जो हैं रिलेटिव पाथ जो है वो बनाएंगे एक स्ट्रिंग टाइप का, कि यहाँ से हम लोग स्ट्रिंग सेंड करेंगे, ठीक है। और ये रिटर्न करेगा आप लोगों के पास आप लोगों की बेस URI, जो आप लोगों के दिस डॉट बेस API URI वो, और आप लोगों का रिलेटिव पाथ। तो ये हो गया, स्लैश लगाना है अब हम लोगों को, ये तो गलत हो गया, स्क्वायर ब्रैकेट्स में डालना था हम लोगों को, कर्ली ब्रैकेट्स में यूज करना है ये, ठीक है, ताकि स्ट्रिंग एनोटेशंस जो है आप लोग सही तरीके से काम में ले सकें। नेक्स्ट में आप लोगों के पास रिलेटिव पाथ आना चाहिए, ओके। तो ये सारी चीजें जो हैं आप लोगों को मैच करवानी है। अब यहां पर हमारे पास क्या आएगा, जो बेस URL आ जाएगा, और रिलेटिव पाथ के अंदर हम लोगों ने जो पाथ गेट किया स्टूडेंट रिसोर्सेज इमेजेस वो वगैरह वगैरह, तो वो सारा का सारा गेट हो जाएगा। वो हमारा किस पे है, हमारी प्रोफाइल इमेज में है, है जो हमारे पास एट्रीब्यूट है प्रोफाइल इमेज का, उसमें है। तो यहाँ पर हम लोग ये जो दिस डॉट स्टूडेंट डाटा डॉट प्रोफाइल इमेज है, इसके आगे ये जो मेथड हम लोगों ने अभी रिलेटिव पाथ वाला लिखा है, दिस डॉट स्टूडेंट सर्विस डॉट गेट रिलेटिव पाथ, इसके अंदर ये जो पैरामीटर हम लोग डाल देंगे दिस डॉट स्टूडेंट डाटा डॉट प्रोफाइल इमेज, क्योंकि इसी के अंदर वो पाथ है, स्टूडेंट रिसोर्सेज इमेजेस, फिर आप लोगों का इमेज का नेम, वो सारा है। तो इसने यहाँ पर कॉल कर लिया, इसमें इसको भेज दिया, तो आप लोगों की प्रोफाइल DP अब करेक्टली शो होनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों को पाथ भी वही मिल गया। ओप्स, मॉड्यूल नॉट फाउंड, ओके, आप लोगों ने रिलेटिव लिख दिया होगा रिलेटिव पाथ की जगह, तो उसे भी रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर रिलेटिव लिखा हुआ है, रिलेटिव पाथ हम लोगों ने यहाँ से भेजा है, तो आप लोगों को रिलेटिव पाथ ही यहाँ पर भेजना लिखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग लिखिए रिलेटिव पाथ, ओप्स, ओके। तो ये हो गया आप लोगों के पास, तो आप लोगों का पूरा URL जो है वो मैच कर जाएगा। अभी क्या एरर आ गया इसमें, ओके, आप लोगों के जो इम्पोर्ट्स हैं वो ऐड हो गए हैं बाई डिफ़ॉल्ट आप लोगों की सर्विस के अंदर, तो ये हटा दीजिए, क्योंकि रिलेटिव के नाम से आप लोगों ने ऐड कर लिया है इम्पोर्ट्स पाथ, और ऑलरेडी होता है। तो ये हो गया आप लोगों के पास। अब दोबारा से हम लोग चेंज इमेज पर जाते हैं, और यहाँ पर हम लोग अपना पाथ चेक करेंगे कि पाथ परफेक्टली जो है वो आ रहा है या नहीं आ रहा है। उसके बाद में हम लोग जो है एक चीज़ और ऐड करेंगे, प्रोवाइडर स्टैटिक क्लास का। तो यहाँ पर आप लोगों के पूरा पाथ आप लोगों के पास आ रहा है, एवरीथिंग इज़ फाइन, यहाँ तक सही, सब कुछ सही है। लेकिन अगर आप लोग कंसोल में देखेंगे तो आप लोगों को एरर दिखाई देगा, क्या कि 404 फाउंड, इस पर आप लोगों की कोई भी इमेजेस जो है या इस रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं है स्टैटिक फाइल्स का, ठीक है। इस टाइप्स में आप लोगों के पास एरर आएगा। अगर आप लोग कंसोल पर जाकर देखते हैं तो ये एरर जो है वो इसी प्रकार का शो आप लोगों को होगा। क्यों होगा, क्योंकि अभी आप लोगों ने पाइपलाइनिंग जो है REST API के अंदर वो ऐड नहीं की है, तो वो चीज़ें भी आप लोगों को ऐड करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो ये देखिए आप लोगों के पास एरर आ रहे हैं बहुत सारे। क्यों एरर हैं, क्योंकि अभी आप लोगों ने जो चीज़ें हैं वो ऐड नहीं की थी, इसीलिए उसके रिगार्डिंग आप लोगों के पास एरर्स हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक पाइपलाइनिंग ऐड करनी पड़ेगी, यूज़ HTTP रिडायरेक्शन के बाद आप लोग यूज़ करें ऐप डॉट स्टैटिक फाइल्स, क्योंकि जब आप लोगों की फाइल प्रोवाइडर जो होगा वो आप लोगों को फाइल प्रोवाइड करेगा कि ये रिसोर्सेज जो है आप लोग उसे ग्लोबली शेयर कर सकते हैं।
तो यहाँ पर आप लोगों के पास क्या गया, ऐप डॉट यूज स्टैटिक फाइल्स, न्यू स्टैटिक फाइल ऑप्शन। फाइल प्रोवाइडर इक्वल्स टू न्यू, फिजिकल फाइल प्रोवाइडर नेम स्पेस रिजॉल्व करें और उसके अंदर आप लोग लिखें env डॉट कंटेंट रूट पाथ। और आप लोगों का कंटेंट रूट पाथ क्या है, जो आप लोगों का स्टूडेंट रिसोर्सेस है वो, तो आप लोग देख सकते हैं स्टूडेंट रिसोर्सेस है। रूट पाथ आप लोगों का कहाँ तक है ये आ गया, उसके बाद में स्टूडेंट रिसोर्सेस आ गया, और हम लोगों को यूज़ करना था पूरा का पूरा पाथ। तो यहाँ पर हम लोगों ने यूज़ नहीं किया है पाथ डॉट कम्बाइन, क्योंकि वो तो ज़रूरत है ताकि वो इस चीज़ को जोड़ देगा, ठीक है। तो पाथ पूरा का पूरा पाथ जो है वो आप लोगों का रिटर्न कर देगा फिर फिजिकल फाइल प्रोवाइडर के पास। तो कॉन्फ़िगरेशन नहीं, पाथ डॉट कम्बाइन, ओके, पाथ का नेम सिस्टम डॉट आईओ, और यहाँ पर आप लोगों के पास आ गया कोमा, एक और ब्रैकेट लगाते पहले उसके बाद में कोमा, और आप लोगों के पास जो है नेक्स्ट में आ गया रिक्वेस्ट पाथ स्लैश स्टूडेंट रिसोर्सेस। अब आप लोगों ने क्या कर दिया, रिक्वेस्ट पाथ जो है वो स्टूडेंट रिसोर्सेस को कर दिया कि फाइल प्रोवाइडर आप लोगों के पास यही हो जाएगा, तो आप लोगों के पास एक्सेस हो गया ये सारी इंफॉर्मेशन। एवरीथिंग इज क्लियर, आप लोगों को सब कुछ जो है वो क्लियर हो गया होगा। अब आप लोग जो है अपनी इमेजेस को चेंज जो है वो कर सकते हैं। तो ये जो है API का एक पार्ट है कि API के डाटा को अगर हम लोगों को शेयर करवाना है तो स्टैटिक फाइल ऑप्शंस को हम लोगों को इनेबल्ड करना पड़ेगा कि कौन से फोल्डर को हम लोगों को इनेबल्ड करना है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा, और API जो सीख रहे हैं मैं उसमें भी यही कॉन्टेंट जो है वो सेम डाल दूंगा ताकि आप लोग जो है क्लियर जो चीज़ें हैं वो सीख पाएँ। अब यहाँ पर मैं एडिट करता हूँ दोबारा से, इसी फाइल को हम लोग एडिट कर लेंगे, तो चेंज इमेज, और यहाँ पर हम लोग जो हैं कोई भी इमेज एक बार के लिए ऑर्डर डॉट png डाल देते हैं। ये देखिए ऑर्डर डॉट png आप लोगों को क्लियरली सेव हो गया। अब नेक्स्ट में हम लोगों के पास जो भी इमेजेस हैं वो हम लोग एक बार के लिए डाल लेते हैं। हम लोगों के पास कुछ इन्फॉर्मेशन जो इमेजेस है वो नहीं है, तो हम लोग जो है इंटरनेट से डाउनलोड कर लेंगे रमेश के नाम से कोई भी इमेज, और ये पॉपुलर TV स्टार है तो हम लोग इसे ही जो है वंस ऐड कर लेते हैं। तो ये हो गया, लेकिन इमेज जो है यहाँ पर देखिए बहुत बड़ी आ रही है, तो हम लोग क्या करेंगे इसके लिए CSS लिख लेंगे, और इमेज कंटेनर के नाम से हम लोगों ने क्लास फाइल बनाई ही थी, ठीक है। तो उसमें हम लोग इमेजेस के लिए CSS प्रॉपर्टीज ऐड कर देंगे, तो हम लोगों की प्रॉब्लम भी रिजॉल्व हो जाएगी। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और साथ ही आप लोग इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं अपने इंस्टाग्राम पे, अपने व्हाट्सएप पे, जहाँ पर भी आप लोगों को अच्छा लगे। अगर आप लोगों को किसी दूसरे को क्रड ऑपरेशन समझाने हैं वैलिडेशंस के साथ मटेरियल टेबल के साथ, तो आप लोग ये एग्जांपल आसानी से दे सकते हैं, ठीक है। तो एंगुलर इसमें ऑलमोस्ट आप लोग सीख भी जाएंगे कि ऑलमोस्ट आप लोग एंगुलर जो है इसमें काम करना सीख जाएंगे, और जितना आप लोग प्रयास करेंगे एंगुलर के अंदर उतना तो आप लोग परफेक्शंस में पाते जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को जो चीज़ें हैं वो मैं समझाने में थोड़ा बहुत कामयाब हुआ हूँ। तो अगर आप लोगों को ये चैनल अच्छा लगता है तो आप लोग इसे ज़रूर शेयर करेंगे अपने अपनी प्रोफाइल के ऊपर, जहाँ पर भी आप लोगों को सोशल मीडिया के अंदर शेयर करना है। तो आई होप आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा, और मैं यही चाहता हूँ दोस्तों कि मैं आप लोगों को हर एक टेक्नोलॉजी के बारे में सही सही तरीके से टोटल जो है वो डिटेल में डिस्क्रिप्शन आप लोगों को दे सकूँ। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक अच्छे से नए वीडियो के साथ। प्लीज़ अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर दीजिएगा, और अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, चलिए।